अस्सलाम वालेकुम गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज के इस वीडियो में हम करेंगे MTA 304 क्विज नंबर 1 को सॉल्व। क्विज स्टार्ट करने से पहले तमाम व्यूवर्स चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आप चैनल के साथ अटैच हो जाएं और नेक्स्ट आने वाली असाइनमेंट, GDB क्विजेज और मिड टर्म की प्रिपरेशन की वीडियोज आप तक पहुँचती रहें। हम स्टार्ट करते हैं क्विज को। जो सबसे पहला हमारे पास MCQs है वो क्या है कि इफ़ अ पार्टिकल इज़ इन एक्विलिब्रियम अंडर द एक्शन ऑफ 3 कोप्लैनर कंकरेंट फोर्सेस। ठीक है, कि एक पार्टिकल जो है वो अंडर एक्विलिब्रियम में है और उस पर 3 कोप्लैनर कंकरेंट फोर्सेस जो हैं वो एक्ट कर रही हैं। देन ईच फोर्स हैज़ अ मैग्नीट्यूड प्रोपोर्शनल टू द डैश ऑफ द एंगल बिटवीन द अदर टू। ठीक है, तो हमने वो बताना है कि उसका एंगल क्या होगा, उसकी मैग्नीट्यूड प्रोपोर्शनल मैग्नीट्यूड क्या होगा। ठीक है, तो हमने यहाँ पे इसका करेक्ट एंगल बताएंगे। तो इसका करेक्ट एंगल क्या होगा, साइन, कोसाइन, सीकेंट या फिर टेंजेंट। ठीक है, तो अगर आपने लेक्चर लिए हुए हैं तो आप जानते होंगे कि इसका करेक्ट आंसर जो है वो ऑप्शन नंबर ए है कि साइन जो है वो इसका एंगल होगा बिटवीन द अदर टू। ऑप्शन नंबर ए जो है वो इसका करेक्ट ऑप्शन है गिवन MCQs में से। जो सेकेंड वाला MCQs है वो क्या है कि हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल कंपोनेंट्स ऑफ फोर्स एक्टिंग ऑन अ पार्टिकल और 5 न्यूटन एंड 12 न्यूटन रिस्पेक्टिवली। के किसी फोर्स जो है पार्टिकल, किसी पार्टिकल पे 2 फोर्सेस जो हैं वो एक्ट कर रही हैं, एक हॉरिजॉन्टल है और एक वर्टिकल है। हॉरिजॉन्टल कितनी है, 5 न्यूटन, वर्टिकल फोर्स कितनी है, 12 न्यूटन। ठीक है, तो मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स एक्टिंग ऑन पार्टिकल इज, तो हमने बताना है कि पार्टिकल जो है उस पर कौन कितनी फोर्स जो है वो टोटल अप्लाई हो रही है, मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स क्या। मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स किस तरह से निकालेंगे कि हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल जो फोर्सेस एक्ट कर रही हैं उन दोनों को ऐड कर लेंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा कि पार्टिकल पे टोटल जो है वो कितनी फोर्स एक्ट कर रही है। ठीक है, तो 5 + 12 कितनी होगी आपके पास, 17। तो ऑप्शन नंबर ए जो है वो आपके पास इसका करेक्ट आंसर होगा कि 17। ठीक है, नेक्स्ट वन MCQs नंबर 3 है कि एक्सेलरेशन इज आ डैश क्वांटिटी। ठीक है, एक्सेलरेशन जो है वो डैश क्वांटिटी है, तो इसमें से कोई भी ऑप्शन नहीं है, वेक्टर है, बोथ वेक्टर स्केलर है या फिर स्केलर है। तो इन MCQs में से जो गिवन ऑप्शंस हैं इनमें से करेक्ट आंसर है कि एक्सेलरेशन जो है वो एक वेक्टर क्वांटिटी है, यानी कि ऑप्शन नंबर बी जो है वो आपके पास MCQs नंबर 3 का करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट वन MCQs नंबर 4 है हमारे पास कि लेट एक्स बी द सम ऑफ हॉरिजॉन्टल फोर्सेस एंड वाई बी द सम ऑफ वर्टिकल फोर्सेस एक्टिंग ऑन अ पार्टिकल। ठीक है, तो अगर एक्स जो है वो 0 न्यूटन है और वाई जो है वो -5 न्यूटन है, देन द एंगल मेड बाय द हॉरिजॉन्टल विद द पॉजिटिव एक्स एक्सिस इज। ठीक है, तो एक्स हॉरिजॉन्टल जो फोर्सेज हैं वो 0 हैं, यानी कि एक्स जो है वो 0 है, तो फिर एंगल कौन सा होगा एक्स एक्सिस पे, 0 डिग्री। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी जो है वो हमारे पास इसका करेक्ट आंसर होगा कि 0 डिग्री। नेक्स्ट वन MCQs नंबर 5 है कि द प्रॉपर्टी ऑफ मैटर डैट रेसिस्ट चेंजेस इन इट्स मोशन इज कॉल्ड। ठीक है, तो मैटर की जो प्रॉपर्टी है जो कि मोशन को मोशन में चेंजेस को रेजिस्ट करती है वो क्या कहलाती है। तो यहाँ पे हमारे पास फोर्स है, मैस है, वेट है या फिर इनर्शिया। ठीक है, तो जो करेक्ट ऑप्शन है वो इनर्शिया है। ठीक है, जो रेजिस्ट रखती है, चेंज को रेजिस्ट करती है मोशन में, वो क्या कहलाती है, इनर्शिया। ऑप्शन नंबर डी जो है वो करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट वन MCQs है कि इफ़ आर बॉडी इज मूविंग एट 2 ms देन 2 ms इज़ द डैश ऑफ द बॉडी। अगर कोई बॉडी है वो 2 ms पे वर्क मूव कर रही है, ठीक है, तो 2 ms जो है यहाँ पे वो क्या है बॉडी का, बॉडी की स्पीड है, एक्सेलरेशन है, वेलोसिटी है या फिर फोर्स है। ठीक है, तो आपने देखना है कि ये ms जो है ये यूनिट किसका है, ms यूनिट होता है वेलोसिटी का, तो 2 ms क्या होगा, वेलोसिटी। ऑप्शन नंबर सी जो है वो आपके पास इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट वन MCQs नंबर 7 है कि इफ़ अ बॉडी ऑफ वेट 5 N इज हैंगिंग इन एक्विलिब्रियम बाय अ लाइट इनएक्सटेंसिबल स्ट्रिंग, देन द टेंशन इन द स्ट्रिंग इज, तो स्ट्रिंग में टेंशन कितनी होगी, वो भी 5 न्यूटन ही होगी। ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट वन MCQs है कि लेट एक्स बी द सम ऑफ हॉरिजॉन्टल फोर्सेज एंड वाई बी द सम ऑफ वर्टिकल फोर्सेज एक्टिंग ऑन अ पार्टिकल। पार्टिकल भी 2 फोर्सेज एक्ट कर रही हैं, हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल, तो हमने उसका रिजल्टेंट फोर्स एक्टिंग जो है पार्टिकल पे, जो रिजल्टेंट फोर्स यानी कि फोर्सेस का जो मजमूआ है वो एक्ट कर रहा है, वो हमने बताना है कि ऑन द पार्टिकल। अगर पार्टिकल की वाई वो जो फोर्सेस हैं, वर्टिकल फोर्सेस हैं, वो 0 हैं, तो फिर पार्टिकल पे
यहाँ पे इन एमसीक्यूज में से कौन सा एमसीक्यूज जो है वो करेक्ट होगा, क्योंकि हॉरिजॉन्टल जो है वो तो जीरो है, तो फिर हमारे पास रिजल्टेंट में जस्ट हॉरिजॉन्टल आएगा, वर्टिकल जो है वाई इक्वल टू जीरो है, वर्टिकल फोर्स जीरो है, तो हॉरिजॉन्टल है वो एक्स होगी, ठीक है। रिजल्टेंट फोर्स में हम ऐड करते हैं दोनों फोर्सेस को, हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल को, यहाँ पे वर्टिकल जो है वो जीरो है, तो हमारे पास रिजल्टेंट में जस्ट हॉरिजॉन्टल आएगी, आर इक्वल टू एक्स जो है वो हमारे पास गिवन ऑप्शन में से करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट वन नाइन वाला एम सी क्यूज है कि बॉडी ऑफ मास 20 kg इज प्लेस्ड ऑन एन इंक्लाइन प्लेन विच इज लेइंग एट एन एंगल 60 degrees टू द हॉरिजॉन्टल, देन द नॉर्मल कंपोनेंट ऑफ फोर्स एक्टिंग ऑन द बॉडी इज डैश न्यूटन। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है 17.3 न्यूटन, ठीक है, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर। नेक्स्ट वन है कि ग्रेटेस्ट रिजल्टेंट ऑफ फोर्सेज 3N एंड 5N इज, तो ये दो फोर्सेज हैं 3 न्यूटन एंड 5 न्यूटन, तो इन दोनों का हमने क्या करना है, हमने ग्रेटेस्ट रिजल्टेंट जो है वो फाइंड करना है। ग्रेटेस्ट रिजल्टेंट हम किस तरह से फाइंड करते हैं, दोनों फोर्सेज को हम जमा करेंगे और जो आंसर आएगा वो हमारे पास ग्रेटेस्ट रिजल्टेंट होगा, ठीक है। 3 3 + 5 कितना होगा 8, तो इट्स मीन ऑप्शन नंबर सी जो है वो हमारे पास इसका करेक्ट आंसर होगा। लेकिन अगर आपसे कहा जाएगा कि ग्रेटेस्ट एंड तो लोवेस्ट, ठीक है, या फिर ग्रेटेस्ट के ऑपोजिट पूछा जाएगा, तो फिर आप क्या करेंगे, फिर आप 3n को और 5n को माइनस करेंगे तो आपके पास 2 जो है वो आंसर आएगा। लेकिन यहाँ पे वहाँ पे स्मॉलेस्ट रिजल्टेंट होगा, यहाँ पे ग्रेटेस्ट है, ग्रेटेस्ट में क्या करेंगे, दोनों को जमा करेंगे और आंसर हमारे पास 8 आएगा। इट्स मीन ऑप्शन नंबर सी जो है वो आपके पास इसका करेक्ट आंसर है। मजीद सॉल्यूशंस के लिए आपने चैनल को सब्सक्राइब करना है, चैनल के साथ अटैच हो जाना है, ताकि आपको मजीद MTA 304 के क्विजेज, असाइनमेंट, GDB के सॉल्यूशंस इस चैनल पे मिलते रहें।